शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजनांदगांव से, जहां आपको बता दें कि राजनांदगांव में ट्रक ड्राइवर संघ की हड़ताल लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर। मांग पूरी ना होने पर चक्का जाम की भी चेतावनी दी गई है। तो बता दें कि 20 दिसंबर से चक्का जाम करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजनांदगांव में। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर संघ की हड़ताल जारी है, हड़ताल देखने को मिल रही है। तस्वीर भी देखिए टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर। मांग पूरी ना होने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है। कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर से चक्का जाम करने की चेतावनी इन्होंने दी है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता देना चाहूंगा कि यह आंदोलन आज बारहवा दिन है, 12 तारीख, 1 तारीख से यह आंदोलन जारी है और आगे हम लोगों को इसी प्रकार से अगर यहाँ का प्रशासन व सरकार प्रताड़ित करने का कार्य करेगा, हम लोगों का मांग नहीं पूरा करता है, तो हम सब लोग जो कदम उठाएंगे उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। राजनांदगांव जिले का मांग नहीं था, ये पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे राज्य और पूरे हमारे भारत देश का मांग हम रखे थे। इस मांगों को लेकर आज 12वां दिन हो चुका है, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। आज हम ज्ञापन सौंपे हैं, हम ये एंटी मिशन दिए हैं कलेक्टर महोदय जी को और आज हमारे द्वारा रजिस्ट्री भी किया गया है प्रधानमंत्री जी को। अगर हमारी 16 तारीख तक हमारी मांग अगर पूरे नहीं करेंगे तो 20 तारीख को ऑटोमेटिक चक्का जाम हो जाएगा। पूरे भारत देश के पूरे ड्राइवर हमारे संगठन हमारे साथ में हैं।